ये एग्जॉस्ट है जो हमने कल लगवाया, इसे कहते हैं इंसान को मासूम ऐसे नहीं कहा जाता और इस इंसान को खन्ना ओंकार ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि आज जो हमने काम करके दिखाया ना भाई, दिस इज प्योर लव, दिस इज लिटरली प्योर लव। इस बाइक में हमने लगाया एक्सेल का रेस एग्जॉस्ट, एक्सेल हमने अपनी 900 में लगाया था जब अपन गोवा जा रहे थे, इतनी लाउड थी ना भाई, सच बोल रहा हूँ, H2 जैसी आवाज याद है, जट की H2 के साथ मैंने अपनी बाइक रेव करी थी, जट भाई की आवाज बंद हो गई थी गाड़ी की, हां है ना, और फिर से सेम चीज हमने एक्सेल का एग्जॉस्ट जेंट्री भूसा में लगाया है अपने अमित भाई की भूसा में। भाई मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया यार, और जो चिंगारियां निकली है ना बहुत, और जो चिंगारियां निकली वो ऐसी मतलब इस तरह से छन के निकलती थी जैसे आटा छन के निकलता ना, क्योंकि पीछे वो जाली वगैरह, इतनी दूर दूर तक चिंगारियां गई है ना भाई, मजा आ गया आज, मजा आ गया कसम से। 2 मीटर दूर अगर कोई खाली सिगरेट लेके खड़ा है ना और लाइटर ढूंढ रहा है तो इसके पीछे खड़ा हो जाए, वो जल जाएगी भाई, लिटरली A1 काम हुआ है। फिट और फिनिश कुछ ऐसी आ रही है बाइक की, और मैंने अपनी 900 पे काम कराने का सोचा था लेकिन इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो कल दोबारा आएंगे, और एक स्पेशल चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो हो गई तो फिर मज़ा आ जाएगा। कल एक बड़ी चीज़ हो सकती है, कर दिया ऑन जो तुम काम करने जा रहे हो, अगर मेरे को समझ आया तो फिर वी कैन गो अहेड। अब सुनाते हैं भूसा की आपको आवाज़, साइड से भाई का छोटा सा फ्लाई बाय, सुपर लाउड, सुपर से भी सुपर लाउड भाई। एग्जॉस्ट रख लिया आपने अपना स्टॉक, क्या बात है गाइज, मैं पता किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, जब बाइक में लगेगा पहला गियर और ये जो फ्लेम मारने वाली है ना, दो दो फुट वाले भाई, मज़ा आ जाएगा, छः फुट के बंदे हक्के पक्के रह जाएंगे, बाकी जय हनुमान, हे प्रभु आपकी कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे, अच्छे अच्छे काम हम हमेशा करते रहें, नेगेटिव चीज़ों से बचाओ, फ्यूल डलवाएंगे गाइज। सॉरी हम, हाँ हम कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, हाँ जी आपको तो देखो सब पता है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं तो भागूंगा नहीं सर, मैं भागूंगा नहीं, अगर आप वो दाढ़ी होती है ना, हाँ वो निकाल देते हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ सर, देखो सर मैं भागूंगा नहीं, जो हमने गलत करा वो हमने गलत करा। गुड मॉर्निंग जी, सो आज अपनी बाइक की ना हमने लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर दी थी, हमेशा वैसे उधर खड़ी होती है और आज हमने बाइक को इधर खड़ा करा है, और इतनी गंदी हो गई है यहाँ से, खिड़की से इतनी मिट्टी आती है ना कि गंदी हो गई है। सो अभी का सीन ये है कि लास्ट वाले व्लॉग में भूसा में हमने एग्जॉस्ट लगवाया था और मैंने सही से नहीं बताया था कि भाई वो कौन सा एग्जॉस्ट है जो इतनी क्रेजी फ्लेम्स मार रहा है और इतना लाउड हो गया है। सो अभी क्लोज टू टाइम हो रहा है 4 और आपका भाई अभी निकल रहा है टूवर्ड्स नोएडा, 2 काम है बहुत बढ़िया बढ़िया। सो एक काम ये है कि एक बाइक आ रखी है जो मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ, सो वो बाइक देखनी है, और दूसरा काम ये है कि वो भूसा का एग्जॉस्ट मुझे दिखाना है आपको। सो नोएडा तक की एक छोटी सी राइड कर रहे हैं, बाइक को मैं निकालता हूँ बाहर, करता हूँ वार्म अप और निकलते हैं भाई यहाँ से, बाकी एग्जॉस्ट इस चक्कर में भाई लास्ट ब्लॉग में देखा रोक लिया था, बट कॉप्स बहुत अच्छे थे, जाने दिया छोटा सा चलान काट के। तो भाई मेरा ना वैसे ये वाला अड्डा सेट है, मतलब वहाँ मैरोली से बाहर निकला किशनगढ़ से, ओ भाई R6 जा रही है, RS6 बहुत सुंदर कलर और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। सो मैं कह रहा था कि भाई अपना मैरोली से बाहर निकलता है, ये वाला खाली खाली रोड होता है तो यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाते हैं और उसके बाद सीधा सीधा निकल जाते हैं, हाँ क्योंकि ना थोड़ा लोकल में रहता हूँ ना, तो बाइक को ना एक बार निहारने का मन करता है रुक के। सो यहाँ पे रुकता हूँ, हेलमेट वगैरह टाइट करता हूँ और एकदम से निकल जाता हूँ भाई। तो अभी सबसे पहले आपका भाई जा रहा है गार्की कॉलेज नहीं जा रहा, मतलब उसके अपोजिट साइड वाले रोड पे वेट करूँगा अमित भाई का, बाइक लेकर वो आ रहे हैं और उसके बाद दोनों के दोनों टूवर्ड लाजपत नगर होके निकल जाएंगे नोएडा। और भाई मर्सिडीज़ को रोक लिया, मेबैक है कसम से, और उसका चलान काटा जा रहा है और पीछे आई थिंक ऑडी भी रोकी हुई है, ओ भाई मोटा चलान करने वाला आज। तो जी पहुंच चुका हूँ मैं गार्की कॉलेज के अपोजिट वाले रोड पे, अब यहाँ पे अपने फ्रेंड को लोकेट करना है, यहीं कहीं आसपास भाई खड़ा होगा, और गर्मी बहुत है यार, बाइक का टेम्परेचर भी इस टाइम आइडल पे भी 98 डिग्री चल रहा है, और ये रे भाई इधर, ओहो नया वाला एग्जॉस्ट क्या है भाई के हरे हरे हो रहे हैं आज तो दोनों चले भाई। सो जी ये एग्जॉस्ट इस बाइक में लगा था कल,
सुबह सुबह तो ज़्यादा खिंचे नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी ना कॉप्स भी होंगे, तो टाइम से निकलते हैं क्योंकि गर्ल्स का कॉलेज है ना यहाँ पे, कॉप्स आके रोक देते हैं एक बारी को फटाफट। सो जी निकलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स नोएडा। भाई कौन से गियर पे चल रहे हो तुम? दूसरा गियर। भाई मैं तो छठे पे चल रहा हूँ, ये लगा लो। आज दिन में इतना खौफ हो रहा है ना क्योंकि दोनों के दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा लाउड हो रखी हैं। और वैसे मैंने बताया नहीं, आज अपन जा रहे हैं डिटेलिंग डेविल्स नोएडा। सो आज जितना हम फटी में नोएडा आए हैं ना, सच्ची इतना फटी में भाई पहले कभी नहीं आए, क्योंकि दिन का टाइम है और ये 5 बजे वाले टाइम ना कॉप्स फिर से आ जाते हैं, मतलब लंच करने के बाद ना। तो थोड़ा बस जज्बातों को काबू में रख रख के 5वां 6वां गियर लगा लगा के स्लो 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 कर करके पहुंच गया नोएडा। ये सुनो कितने लाउड है आराम से, वे भी ना बहुत आवाज़ है इस बाइक की, मतलब जिसको ना सुनाना चाहे ना वो बंदा भी सुन ले इस बाइक की आवाज़, आइडल पे भी लाउड है। वे वे फोन पे अपनी ऐसी तैसी करा रहा है भाई बंदा और रुक ही नहीं रहा। तुम कटवाओगे भाई आज चलान? सो जी पहुंच चुके हैं डिटेलिंग डेविल्स नोएडा, बाइक लगा देते हैं अपनी यहीं कहीं। और जिस बाइक के लिए मैं आया था वो खड़ी है सामने। इस भूसा पे ना हमने PPF कराया था, ड्रैगन PPF। तो एक सीटिंग और लगनी थी, क्रॉस चेक करना था कहाँ कहाँ से कंप्लेंट वगैरह आ रही हैं। सो फार बहुत बढ़िया PPF हुआ था, ज़्यादा कुछ था नहीं टचअप का, बट भाई का ना हल्का सा एक जगह से चिप ऑफ हो गया था। सो वो वाला फिर से पार्ट PPF अपन करा देंगे। बाकी ये गाइस इसे कहते हैं बोलीवाज। सो गाइस तारीफ कर रहा है इसको, सब पैसे मिले हैं। सो गाइस DD का नमक तूने भी खाया भाई, DD का नमक मैंने भी खाया है, ठीक है ना। भाई खाए तो ज्यादा नहीं गए थे, 100-100 के 2 ही नोट खाए थे, इतने में पेट भर गया भाई। पेट छोटा है तुम्हारा? पेट छोटा है भाई, 100 रुपए में भर जाता है। हाँ गाइस फॉर सेल है, 9 लाख रुपए की स्टॉक, 1-1.5 लाख सामान अलग से। डाउन पेमेंट में BMW दे देता हूँ, बाकी किस्ते मान ले। वो कौन लेगा तेरी, वो कहाँ गई? अपाची भी नहीं है वो, नकली फर्स्ट कॉपी। बाकी उधर बफिंग हो रही है, उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। सो ये एग्जॉस्ट है जो हमने कल लगवाया, इसे कहते हैं एक्सिल रेस। मेरी बाइक में भी एक्सिल का एक एग्जॉस्ट लगा था जो कि सुपर लाउड था, और ये सुपर लाउड से भी ऊपर लाउड हो गया भाई। क्या रिव्यू? रिव्यू इसका ये है कि बकवास से हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, और ऐसा क्यों भाई? भाई क्योंकि चलाते हुए ना मेरी तो खैर पट्टी पड़ती है, आप जैसे लोग साथ में चलते ना तो आपकी भी पड़ती है भाई। कल लिटरली हमने एग्जॉस्ट लगाया और हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इतना लाउड है। और तब तक हमने अच्छे से टेस्ट भी नहीं किया था एग्जॉस्ट, और हम बहुत पीछे थे, वो तो आवाज सुन के पहले ही तैयार थे। सही में भाई सुपर लाउड है, वो ऐसे कर रहे थे कि कौन काटेगा कौन काटेगा। और एक चीज और भाई, इसमें से ये जो छन्नी लगी हुई है ना, इसमें से आग भी ना छन के निकलती है, और दूर तक, मतलब कल इतने बड़े बड़े फ्लेम्स मारे हैं इस बाइक ने रात में। सो अभी PPF चेक हो रहा है, इसके बाद बाइक वॉश होगी, और अंदर एक बाइक खड़ी है जो आज मैं स्पेशल देखने आया हूँ। आज की जो हमारी स्पेशल बाइक है ना, जो मैं दिखाना चाहता था वो ये है। सो गाइज तो देख रहे हो अंदर थोड़ी सी लाइटिंग का इशू हो रहा है, क्योंकि अभी लाइट्स काफ़ी हद तक कम है। सो इसको एक बार बाहर निकालते हैं और लेके चलते हैं इस बाइक को टेस्ट राइड पे। रात के ना अभी 8 बज चुके हैं और एनर्जी अपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो ना अभी अंदर क्या कर रहे हैं, हम ये गाड़ी को बाहर करवा रहे हैं क्योंकि भूसा को यहाँ पर लगा के एक थंबनेल लेना है, और PPF हुआ है इस वाली गाड़ी पे भी, यहाँ पे लगेगी भूसा और थंबनेल लेंगे। आइडल पे भी देखो कितना लाउड है यार ये वाला एग्जॉस्ट। तो भाई बाइक ना अंदर लाइट्स में हमने लगा दिया ना, तो एक बार डिटेल देखो कितनी सही लग रही है यार। और आज का जो हमारा ब्लॉग का मेन मुद्दा था वो था ये वाला एग्जॉस्ट। अब देखो भाई बहुत गजब लगता है। सो वैसे इस वाले एग्जॉस्ट के साथ अभी के लिए लास्ट राइड है, क्योंकि हमें ना इस एग्जॉस्ट को एक बार पहले टेस्ट करना था कि कितना लाउड है। तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्ट लाउड हो चुका है, इसलिए कुछ टाइम के लिए इस बाइक में फिर से लगेगा एकरा का एग्जॉस्ट फिर से, जिसमें कम आवाज़ आती है। क्योंकि अभी जहाँ पे हम शूट करने गए थे वहाँ पे फिर से कॉप्स हाथ दे रहे थे, भाई बुरा हाल चल रहा है। इसलिए ट्राई करेंगे कुछ दिन कम आवाज़ में बाइक चलाने का।
तो इसमें वापस एकरा लगा देंगे और मैं ट्राई करता हूँ अपने एग्जॉस्ट का डीबी ग्रेड ढूंढने का और वो लगाने का, क्योंकि ऐसे अगर बार बार रोकेंगे तो यार अच्छा नहीं है ना। पूरा दिन आज वैसे यहीं निकल गया। सो वाह टक्का। सो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिंस अभी मेट्रो तक भाई के साथ बैठेगा या मेरे साथ बैठ जाएगा, जिस मर्जी के साथ बैठ जाए भाई। और आगे से फिर हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स दिल्ली DND हो के। चल भाई बाय बाय टेक केयर। टाइम हो रहा है रात के 9:25 और आपका भाई घर पहुंच चुका है, अपनी बाइक निकालेगा इसके बाद। बड़ा सही लगता है भाई पहले सुपर बाइक पे बार बार घूमो फिर लोकल आके ना अपनी स्प्लेंडर निकाल लो। सो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो भैया लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, टिल देन रब रखा बाय। बहुत ज़्यादा थकान हो गई आज, तुम्हारा भाई उठा था सुबह 4:30 बजे।